पिछले साल हुई धान खरीदी में देरी को देखते हुए भाजपा द्वारा आज अनुविभागीय अधिकारी को दिया ज्ञापन, जिसमें सरकार को घेरते हुए भाजपा नेता ने कहा इस साल धान खरीदी में सुक्ति दिया जाए, जिसको अभी तक कांग्रेस सरकार सुनिश्चित नहीं की, और साथ बरदाना की कमी पिछले साल भी थी, इस साल किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, जिसके लिए भाजपा द्वारा ज्ञापन दिया गया। साथ ही इस वर्ष अगर धान खरीदी में किसी प्रकार की अनियमितता मिलने पर सरकार को माफ नहीं किया जाएगा, जिसको लेकर भाजपा द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। किसानों के साथ जो पूर्व सरकार के द्वारा 1 नवम्बर से धान खरीदी की जाती थी, आज भूपेश सरकार जब से आए पिछले बार दिसंबर से खरीदी शुरू की है, बारदाना की व्यवस्था नहीं की, आज भी बारदाना की व्यवस्था नहीं है, किसान परेशानी है और भूपेश सरकार मस्त है। तो इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा की ओर से ये ज्ञापन राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम पे दिए जा रही है। अगर नई कार्रवाई करे तो किसानों को साथ लेके भारतीय जनता पार्टी और किसान मोर्चा के पदाधिकारी के अंदर राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर, प्रदेश नेतृत्व के आह्वान बड़ी मात्रा में आंदोलन और हड़ताल की जाएगी, जिसके ज्ञापन हम लोग आज दिए। समय न्यूज के लिए पखांजुर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट।